Hello students, welcome to the class. Motion of a charged particle in a magnetic field. एक charged particle magnetic field में जब move कर रहा होता है तो उसका motion किस तरीके से होता है उसको describe करेंगे आज के इस वीडियो में। हमने last time देखा था कि charged particle पर force क्या लगती है, वो कुछ इस तरीके से हमने define की थी। magnetic force की मैं बात कर रहा हूँ। एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज मान लेते हैं Q है और उसकी वेलोसिटी V है, तो उस पे जो फोर्स लगेगी कुछ इस तरीके से लगने वाली है Q टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर V एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगने वाली है चार्ज पार्टिकल पर। ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से ये मेरा चार्ज पार्टिकल है जिसके पास Q चार्ज है और ये वेलोसिटी V से मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, इसकी वेलोसिटी V है। और ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर है टू द वेलोसिटी। हमें पता लग गया कि फोर्स, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि फोर्स कुछ इस तरीके से लगती है चार्ज पार्टिकल पर जो कि वेलोसिटी V से मूव करता है। अब ये पता लगाएंगे कि इसका मोशन किस तरीके से होता है। जब उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो वो किस तरीके से मूव करता है वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B। ये क्रॉस बता रहा है कि इट इज इनसाइड, स्क्रीन के अंदर, कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस साइन हमें ये बताता है। और इसकी वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी V जो कि परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पर फोर्स कैसे लगने वाली है, वी हैव डिस्कस्ड दैट जो फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट वुड बी द क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी, जो क्रॉस प्रोडक्ट जिस डायरेक्शन में बताएगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अब देखिए इधर हमने देखा कुछ इस तरीके से करते हैं, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ये आप देखेंगे अंदर की तरफ जा रहा है और वेलोसिटी वेक्टर इधर बनाते हैं। देखिए ये इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसे समझने में आसानी होगी। ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है, ये देखिए ये वेलोसिटी, इसको हमने एनलार्ज कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, देखिएगा जरा ध्यान से, ये मैंने अंदर की तरफ बना दिया। सो दिस इज वेलोसिटी विच इज मैग्नेटिक फील्ड जो कि स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है और ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये हमारा चार्ज पार्टिकल है प्लस Q ले लेते हैं जो कि कुछ ऐसे जा रहा है सीधा। और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सो इन दैट केस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन की क्यों बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की ही क्यों बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज पहले डायरेक्शन पता लगाते हैं फिर हमें पता लग जाएगा कि मैग्नीट्यूड की बात क्यों नहीं कर रहा, वेलोसिटी की चेंज इन मैग्नीट्यूड की बात क्यों नहीं कर रहा। अब इसकी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी उसको पता लगाने के लिए हम वेलोसिटी वेक्टर से विल स्टार्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पता लगाने के लिए वेलोसिटी वेक्टर से विल स्टार्ट और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पे हम जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज हो गया, ये देखिए क्लॉकवाइज हम गए और व्हेन वी, अगर हम अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आप विजुलाइज कीजिए अगर आपके पास एक नेल है, अगर आप उसको किसी वुडन ब्लॉक में रख के क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नीडल अंदर की तरफ जाएगी। कुछ इस तरीके से जो हमारी फोर्स लगने वाली है वो भी ऐसे लगेगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। सेंटर अगर सर्कल का देखूं तो सेंटर की तरफ लगेगी। उसी तरह मान लिया ये फोर्स दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी वेक्टर, दोनों के। ये देखिए ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो फोर्स है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जिस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है तो परपेंडिकुलर है, तो ये इस फोर्स ने वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के, सो इट विल नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड, नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी। हाँ, ये इसकी डायरेक्शन को जरूर चेंज करेगी और इसी सेंटर सीकिंग फोर्स की वजह से इसकी जो डायरेक्शन है सर्कुलर डायरेक्शन हो जाएगी। ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन में घूमना लग जाएगा। और अगर ये लेट्स से अगर ये यहाँ पे पहुँच जाता है इधर, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v, और ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, तो जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। अब वो अगर यहाँ आ जाता है, ऐसे जा रहा है चार्ज पार्टिकल प्लस q, जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट वुड बी टुवर्ड्स द सेंटर। उसी तरह अगर ये यहाँ पे आता है प्लस q चार्ज, इस तरह जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स वुड बी टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है सेंटर सीकिंग है, और जिसकी वजह से जो वेलोसिटी जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, सर्कुलर मोशन में घूमना स्टार्ट कर देगी। सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी फोर्स है वो जो निकल के आएगी, यस, वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी, और साथ में वो जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी, और ये इस चार्ज पार्टिकल को कुछ सर्कुलर मोशन में घुमाना स्टार्ट कर देगी। इस तरीके से फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स, जब वेलोसिटी इज कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो अगेन ये वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को तो चेंज नहीं करेगी, पर उसकी डायरेक्शन को जरूर चेंज करेगी, और इस वजह से वो सर्कुलर मोशन में घूमना स्टार्ट कर देगा चार्ज पार्टिकल, और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम। अच्छा, एक केस और समझते हैं। अब मान लेते हैं कि वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बट रादर इट इज मेकिंग सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, एंड लेट्स से ये आपके सामने दूसरा केस है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा चार्ज पार्टिकल है प्लस q। अब कुछ इस तरीके से समझते हैं, ये देखिए, ये चार्ज पार्टिकल अब परपेंडिकुलर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के, कुछ एंगल बना रहा है। लेट्स से ये इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल थीटा बना रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जा रही हैं। अब वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में क्या होगा, उसका मोशन किस तरीके से डिस्क्राइब होगा, चलिए उसको समझते हैं। नाउ दिस इज वेलोसिटी विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वेलोसिटी वेक्टर के हम कॉम्पोनेंट करेंगे, रेजुलेट करेंगे, दो कॉम्पोनेंट इसके करेंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो कि कुछ इस तरीके से, जिसको हम बोलेंगे v cos थीटा, और एक हो जाएगा इसका, दिस इज वर्टिकल कॉम्पोनेंट, जिसको हम बोलेंगे v sin थीटा। ये हो गया हमारा वर्टिकल कॉम्पोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, और ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। अब आप देखिए v cos थीटा इट इज पैरेलल, ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, इनके बीच में 0 डिग्री एंगल है, पैरेलल है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज vh और मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज 0, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स 0। तो मैग्नेटिक फोर्स का, तो इन दैट केस मैग्नेटिक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, तो इस कॉम्पोनेंट पर v cos थीटा पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके मैग्नीट्यूड पर, ना ही उसकी डायरेक्शन पे कुछ फर्क पड़ने वाला है। जबकि दूसरी तरफ v sin थीटा जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, दैट इज जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी कुछ ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 0, उसकी वैल्यू होगी। तो उस केस में इस परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, लेकिन अगेन इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बल्कि इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा, जो कि हमने सीखा कि जो अगर वेलोसिटी कंपोनेंट या वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो फोर्स लगेगी उसके ऊपर वो उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगी। जबकि ये जो कॉम्पोनेंट है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये v cos थीटा की जो कॉम्पोनेंट है उसकी स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा। तो एक हमें हेलिक्स मोशन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट उसको गोल गोल घुमाएगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट दैट इज v cos थीटा उसको आगे लेके जाएगा, ट्रांसलेशन मोशन देगा, आगे की तरफ लेके जाएगा। परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट उसको गोल गोल घुमाएगा और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट उसको आगे की तरफ लेके जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हेलिक्स मोशन हमें देखने को मिलेगा। तो व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग ए एंगल थीटा, और वो थीटा 90 नहीं है, 90 से कम है, तो हमें कुछ इस तरीके से हेलिक्स मोशन देखने को मिलेगा। तो ये अगर हम बात करें सर्कल का सेंटर है, तो इस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, और ये कुछ इस तरीके से अगर हम देखते हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये गोल गोल घूमेगा और v cos थीटा जो कि ये वाला कंपोनेंट है वो इसको आगे की तरफ लेके जाएगा। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, और ये जो है ये इज द रेडियस, ये रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिस इज द रेडियस। और ये जो हम देख रहे हैं दो, इसको हम पिच बोलते हैं, जो कि बन रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो v cos थीटा की वजह से हो रहा है। तो इस केस में अगर मैं डिफाइन करूं इस रेडियस को कैसे, कितना रेडियस बनेगा उसको मैं डिराइव करना चाहता हूं, तो कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूं। अब आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज चार्ज ऑफ द पार्टिकल, उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या कर रहा है, इसको गोल गोल घुमा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो मैग्नेटिक फोर्स एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट किया, तो ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट इज b साइन थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं q वर्टिकल कॉम्पोनेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो दिस कैंसिल आउट, यहाँ पे एक रह जाएगा। अगर मैं रेडियस निकालूं तो रेडियस मेरा कुछ इस तरीके से आने वाला है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड मैग्नेटिक। तो दिस इज द रेडियस। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा रेडियस बना रहा है। उसका मास होना चाहिए चार्ज पार्टिकल का, वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट, चार्ज ऑफ द पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू है। तो हम इस तरीके से रेडियस का पता लगा सकते हैं। और अगर बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r। और अगर मैं इसको निकालना चाहता हूँ ओमेगा को, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ v अपॉन r, और r की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ से अगर डालूं तो कुछ मुझे इस तरीके से मिल जाएगा v अपॉन m v अपॉन q b। दिस इज परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, तो मैंने ऐसे ही v लिख दिया है, ऑल्दो इट इज अ परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। तो ये q भी ऊपर आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा, जो इधर लिखते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू q b बाय m। तो आप देखेंगे जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है दैट इज angular displacement per unit time, it is independent of the velocity of the charge particle and also the energy of the charge particle. So this is what we have learnt. अगर velocity vector बिल्कुल perpendicular है magnetic field के और making 90 degree, तब हमें बिल्कुल एक circular path देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। While on the other hand, अगर velocity कुछ एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जैसे हमने देखा ये थीटा एंगल अगर बना रही है, तो उसका हेलिक्स मोशन हमें देखने को मिलेगा, सर्कुलर मोशन साथ में आगे की तरफ जाता हुआ, उसको हेलिक्स मोशन बोलते हैं। एंड ये जो पिच है इट इज ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और सर्कुलर मोशन इज ड्यू टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी और क्रॉस प्रोडक्ट अगर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इनके बीच में एंगल 0 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी 0। तो इस तरीके से, और साथ में रेडियस अगर हमें निकालना है, तो रेडियस हम मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर देंगे, तो रेडियस की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। और लास्ट में एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट, विच इज क्यू बी अपॉन एम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। थैंक यू।